ओम शांति। आज 9 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सुनाई है कि ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में सतगुरु विराजमान है, तो इसीलिए ये ब्रह्मा बाबा की प्रकृति है सतगुरु का दरबार, जहां बैठ करके बाबा हर बच्चों को ज्ञान देते हैं, इसलिए सदगति के लिए। और सदगति तभी होती है जब पतित से पावन बनते हैं, तो इसीलिए बाबा कहे दुनिया में भी कहते हैं गुरु का दरबार, वहां सतगुरु का दरबार नहीं कहेंगे, क्योंकि सतगुरु का दरबार तो एक ही है और वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम सभी बच्चे अनुभव करते हैं। तो सतगुरु के दरबार में क्या करते हैं? बाबा कहे इस समय तुम प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं, तो उस गुलामी से सतगुरु आकर के हमें छुड़ाते हैं। इस समय माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं, कभी तूफान, कभी फैमिन, कभी क्या। और बाबा कहे फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है और माया का वार ही नहीं होगा, सारे संसार से माया समाप्त हो जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रुकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं, बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं, कभी तूफान, कभी फैमिन है, फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का वार भी नहीं होता। आधा कल्प तक न प्रकृति परेशान करती, न माया आ सकती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, वह विश्व के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, फिर सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम टीचर आकर के आदि मध्यंत का राह समझाते हैं, फिर वही सुप्रीम सतगुरु भी है। तो यह हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना गुरु की दरबार, वह है सिर्फ गुरु की, सतगुरु है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा, वह लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं, क्योंकि सब सदगति में है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु है। सुप्रीम कौन है? सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, इसलिए बैठे हैं बेहद का वर्षा लेने। यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और यह वर्षा है नई दुनिया अमर लोक के लिए, वॉइसलेस वर्ल्ड के लिए। वॉइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है, सतयुग को शिवालय भी कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्यों?
क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। कहां बैठे हैं? सतगुरु की दरबार में। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताएं, बाकी जंगल में शांति कहां से मिलेगी? बाकी जंगल में शांति कहां से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुखधाम शांति धाम, वहां दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सतगुरु की ही करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। गायन भी होता है मेरे सतगुरु का दरबार। सतगुरु की ही महिमा होती है, गुरु की महिमा कभी होती नहीं। ज्ञान का सागर है। क्या क्या है सतगुरु की महिमा? वही ज्ञान का सागर है, वह एक ही बात है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? ज्ञान के सागर के रूप में उसकी महिमा नहीं सुनते हैं? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो सकते हैं? न उनको पतित पावन कहेंगे। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता रहता है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। चक्र बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई है तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। ये कोई को भी पता नहीं है। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य है परंतु जानते कुछ नहीं। कितना बाबा नशा चढ़ाता है। बड़े बड़े पोजीशन वाले नहीं जानते, वो चीज बाबा ने हम सबको समझाई है। बाप कहते मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूं। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस है, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? बाबा कहे ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? ये जानते ही नहीं। रहम दिल कौन है? कहते भी है ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो विचित्र है। अभी हम ऐसे नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? ये ओ गॉड फादर रहम करो। बाप तो विचित्र है, वह सामने बैठे हैं, तब तो नमस्ते करते हैं। कितना निर्माण है, तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूं विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता हूं। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे मैंने ये लोन लिया है। शिव बाबा कहते मैंने ये शरीर लोन लिया है। सो भी पुराने थे पुरानी जुत्ती, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूं। इस शरीर की महिमा कहां करते हैं? यह तो पुराना शरीर है, एडॉप्ट किया है, तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, ये तो समझाते हैं ऐसा था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। हाँ, ये पुरानी जुत्ती एकदम तमोप्रदान थी, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूं उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूं तो राइट को याद करो,
उनका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं, उनको इविल कहा जाता है। अनराइटियस को इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल, इन आंखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुखधाम में आएंगे, बाकी तो ये सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्पररी है। न ये पुराना शरीर होगा, न ये दुनिया होगी, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं। नंबर वार तो होते हैं। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्चे भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है। बाबा कहे बच्ची भी अगर, लौकिक बच्ची भी अगर अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का, नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवान वाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूं। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो, वह तो मिट्टी का चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। यहां तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। आयरन एज से गोल्डन एज हो जाती है, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 कला से 14 कला, दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं है जो ऐसा पढ़ा सके। इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे, कमाई जाएगी नहीं। बाबा कहे कमाई जाएगी नहीं, अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता, आगे चल आएंगे। ज्ञान लिया है तो आगे चलकर आएंगे, जाएंगे कहां, एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है, बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है। फिर हम पाप क्यों करें, पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी है जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहां तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। इस समय बाबा कहे क्या कर रहे हो, तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहां तो तुम टेम्पररी हो। पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। सहजते सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है, याद, सहजते सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है।
बाप कहते हैं सहज है परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। गुल बकावली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहां सब माया के गुलाम है, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, सतयुग में सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, अर्थात डिसिप्लिन में रहती है। कोई तूफान नहीं, फैमिन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है, वहां कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है, गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा, वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। प्रकृति और माया द्वापर के बाद कहेगी तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पना से छुड़ाने आया हूं, तुम मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे, जरा भी चूचा होगी नहीं। बाबा कहे सतयुग के अंदर प्रकृति की भी जरा भी चूचा होगी नहीं, यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी? बाबा कहे सो क्यों नहीं करेगी, इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, अब कर लेती है। बल स्वर्ग का मालिक बनते हैं परंतु माया तो खाती रहती है, उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है। जिसको दुबन यानी दलदल कहते हैं, कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, ऐसे हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते हैं। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भू भू कर क्या से क्या बना सकते हो, एकदम स्वर्ग का परिजादा। सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़ी है, बदली होते हैं संगम पर। अभी यह है संगम युग, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो जो विकारी मनुष्य है उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखे हैं। यहां भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो यह मिसाल भी अभी के है, वंडर है ना, ब्रह्मरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए, यह एक ही है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं सन्यासी लोग, एक तो ब्रह्मरी का मिसाल देते, दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरा ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है, अब शरीर छोड़ने वाले हैं, आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। यह भी एक मिसाल देते हैं, गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, गर्भ महल से बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो, भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह तो है भक्ति, उनसे कोई सदगति नहीं होती। कथाएं हैं, सदगति माना वापस घर जाना, घर में कोई जाता नहीं, बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं, पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना,
बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा है, ये एकदम पक्का कर लो। हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह, हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। तो यह ब्रह्मा की भ्रुकुटी है। क्या क्या बताया आरंभ में बाबा ने, कि ब्रह्मा की भ्रुकुटी है सतगुरु का दरबार। ये इस आत्मा का भी दरबार है। इसीलिए लौकिक में ब्रह्मा बाबा अपनी दरबार लगाते थे। हे आत्मन, अपने मन मंत्री से पूछो तो सही कि आज उसके सारे कर्मचारी यानी कर्मेंद्रियां ठीक कार्य करती रही। तो इसी तरह ब्रह्मा बाबा अपना दरबार लगाते थे। तो इसीलिए बाबा कहे ये सतगुरु का दरबार भी है, तो ये इस आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में उच्च पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगाड़ नहीं। बाबा का देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है? सारे शहर का कीचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे? मनुष्य की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। बाबा को वंडर लगता है, सारे शहर का कचरा उसमें पड़ता है और फिर क्या उसको कहेंगे ये पतित पावनी है। तो मनुष्य की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। कई तो उस पर पांव रखकर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। वह पानी में डाल हरी बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे चढ़ाई और उतराई का पूरा ज्ञान है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil. दूसरी पॉइंट, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है,
तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। आज का स्लोगन है, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, इसीलिए बाबा कहे तुम्हें क्रोध पर जीत जरूर प्राप्त करनी है। अच्छा, ओम शांति।